हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं वॉज वर लगा के। यहाँ पर बहुत ही सिंपल रूल है कि वॉज और वर का यूज़ हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट से पहले वॉज और वर लगा के हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आइए हम कुछ सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि वॉज और वर लगा के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होते हैं? आप ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार वॉज और वर से शुरू करें। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ताकि आप समझ सकें कि वॉज और वर लगा के हम कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे क्या मैं गलत था, तो वॉज आई रॉन्ग। क्या मैं पागल था, वॉज आई मैड। क्या वे दुखी थे, वर दे सैड। यहाँ पर वे है, वे यानी प्लूरल है, तो यानी दे होगा, दे प्लूरल में आता है इसलिए वर लगेगा। क्या सीता सुंदर थी, सीता यहाँ सिंगुलर है तो वॉज सीता ब्यूटीफुल। क्या लड़के चालाक थे, यहाँ लड़के प्लूरल है तो आएगा वर द बॉयज क्लेवर। क्या राम और श्याम दोषी थे, यहाँ राम और श्याम दो हैं इसलिए वर का यूज़ करेंगे, वर राम एंड श्याम गिल्टी। क्या आप कवि थे, वर यू अ पोएट। क्या वे लोग नेता थे, यहाँ लोग प्लूरल हैं तो वर का यूज़ करेंगे, वर दे लीडर्स। तो आपने देखा कि इन सेंटेंस के माध्यम से हम वॉज और वर का यूज़ करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर हम और भी वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।